अभी तो पहाड़ों में रहेगा, गेटेड घर फाइंड किया है। हमारे भारतवर्ष में तो पॉलिटिशियंस की गंदी गंदी बातें सुन के बच्चे भी अपनी मानसिकता वैसे ही बनाते चले जा रहे हैं। अरे यार छोड़ो, क्योंकि वो कुछ अच्छा जानते ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं और देख भी नहीं सकते। अच्छी जगह में गंदगी में बड़े हो जाएंगे, वही गंदगी गंदी मानसिकता लेकर जीते चले जाएंगे, क्या करेंगे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, ट्विटर फेसबुक, इसमें भी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं जो आदमी सोच नहीं सकता। समझते हैं कि पैसे दे के लिखवाते हैं ना, ये लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भाई लिखने वालों की भी तो मानसिकता नहीं, तो लिखने वालों क्या वो 300 या 800 रुपए दे देते हैं तो अपना जो भी कुछ कर लें बैठ के वही कर रहे हैं, उतने थोड़े थोड़े पैसे में अपना मॉरल बेच रहे हैं। मॉरल है ही कहाँ, अपना अपनी इज्जत बेच रहे हैं। जब माँ बाप का मॉरल नहीं है तो लड़के कहाँ से, उनके भी तो माँ बहने हैं, बेटियां हैं। ऐसी गंदी गंदी बातें लिखते हैं और वो उसमें छप भी जा रहा है इंटरनेट में, ऐसे ही हो गया है, अस्तर तो गिर रहा है, बढ़ने की वजह से अस्तर कितना गिरा हुआ है जो ऐसी बातें लिख देते हैं, बोल देते हैं मुंह से, कैसे कैसे निकलता है उनके मुंह से। कोई सभ्य आदमी करना ना चाहे उस बिल्डिंग को, असभ्यों की असभ्यता ही सीख रहे हैं, अब तो वही बढ़ेगा। सभ्य आदमी की सभ्यता नहीं सीखते, असभ्यों की सभ्यता है, एग्जाम्पल देते हैं उसी असभ्यता। छोड़ो यार, एंजॉय करो, क्या बच्चे जो पैदा हुए जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, वे भी उसी माहौल में बड़े होकर वैसी ही गंदगी सीखे, क्या करेंगे। हमारा बड़ी एंजॉय करो इसका, अरीटा का, हम लोग का ये समय पूरा हुआ 2 महीने करीब। कहीं भी कुछ अच्छा देखती हूँ तो मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा, हाँ तकलीफ होती है, हमारी मातृभूमि इतनी गंदी क्यों है, क्यों इतने गंदे लोग हैं, क्या कर सकते।